हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, SSCGLPinnacle.com और BulgeeDhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन, आप माय टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGLPinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब था 24 दिसंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी 2019 डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब था 3। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए। भारतीय सेना ने डैश नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असिग्मा। डिटेल्स यहाँ देख लो। सबसे पहले असिग्मा की फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो भारतीय सेना ने आंतरिक संचार के लिए असिग्मा नामक एक नए मैसेजिंग एप्लीकेशन की शुरुआत की। असिग्मा को पूरी तरह से सिग्नल कोर के अधिकारियों की एक टीम ने विकसित किया है। नई एप्लीकेशन को आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के रूप में सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैनात किया जा रहा है, जो पिछले 15 वर्षों से सेवा में है। इस ऐप को सेना के स्वामित्व वाले हार्डवेयर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है। उन्होंने यह घोषणा 25वीं रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की। उन्होंने लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। पंजाब सरकार हर साल रथ यात्रा को राजकीय उत्सव के रूप में मनाएगी। पंजाब सरकार पटियाला में भगवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर भी विकसित करेगी। बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस, पर्च डैम इंदस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रलय। डिटेल्स यहाँ चेक कर लो। तो हाल ही में DRDO ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल का परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया। मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम है और हवा में एक निश्चित सीमा कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18। तो 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं। विस्तृत सूची में ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो रेफरी और सहायक रेफरी बनने के योग्य हैं। इन 18 रेफरियों में 4 महिलाएं, 2 रेफरी और 2 सहायक रेफरी और 14 पुरुष, 6 रेफरी और 8 सहायक रेफरी हैं। सूची के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के पात्र हैं और वे उस वर्ष के लिए अपनी वर्दी पर फीफा बैच पहनने के भी हकदार हैं जिस वर्ष उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL की मान्यता बहाल, दैट इज रिस्टोर कर दी है, जिसे डैश में निलंबित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2019। डिटेल्स यहाँ चेक कर लो। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL की मान्यता बहाल कर दी है, जिसे 2019 में निलंबित कर दिया गया था। वैश्विक मानकों यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन करने में विफलता यानी फेलियर के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। NDTL राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है और तत्काल प्रभाव से परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है। अभियान के हिस्से के रूप में वह लोगों को शराबबंदी के लाभों और समाज में दहेज प्रथा और बाल विवाह के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। बात करें यहाँ पर बिहार की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया, नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिव्या हेगड़े। तो भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी दिव्या हेगड़े ने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। उन्हें अपने संगठन बैरू एनवायरमेंटल सर्विसेज के साथ जलवायु कार्यवाही प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। डिटेल्स यहाँ चेक कर लो। तो दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य बेहतर रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना है। शिक्षकों की एक नई और उच्च योग्यता प्राप्त पीढ़ी को विकसित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम में बीए और बीएड, बीएससी और बीएड और बीकॉम और बीएड जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे क्रियात्मक अनुसंधान पर जोर देने के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर 19 यूथ एशिया कप 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई अंडर 19 यूथ एशिया कप 2021 की मेजबानी कर रहा है। पहला मैच इंडिया अंडर 19 और यूएई अंडर 19 के बीच हुआ था। बीसीसीआई की अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने यश ढूल के नेतृत्व में यूथ एशिया कप 2021 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। बात करें यहाँ पर यूएई की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए, हाल ही में किस राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। डिटेल्स यहाँ चेक कर लो। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के कटक जिले में महानदी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। अंग्रेजी वर्णमाला टी के आकार में पुल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। बड़ंबा में गोपीनाथपुर, बांकी में बिदेश्वर को कटक में सिंहनाथ पीठ से जोड़ने वाले 4 किलोमीटर लंबे पुल से बड़ंबा और बांकी बिदेश्वर के बीच की दूरी लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडियन आर्मी ने सिग्मा नामक कंटेम्प्ररी मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। डीआरडीओ ने अपने सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल प्रलय का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। 2022 के लिए फीफा की रेफरिंग इंटरनेशनल लिस्ट में 18 इंडियन रेफरीज को शामिल किया गया है। वाडा ने एनडीटीएल की मान्यता को रिस्टोर कर दिया है, इसे 2019 में सस्पेंड किया गया था। समाज सुधार अभियान बिहार में लॉन्च किया गया है। लीडरशिप कमिटमेंट के लिए 2021 का यूएन वेमेन्स अवार्ड दिव्या हेगड़े ने जीता है। दिल्ली सरकार ने टीचर्स यूनिवर्सिटी के सेटअप के प्रपोजल को अप्रूव कर लिया है। अंडर 19 यूथ एशिया कप 2021 की मेजबानी यूएई ने की है और लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज़ फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल की मान्यता बहाल कर दी है, जिसे डैश में निलंबित किया गया था। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।